लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ग्यारह वर्ष का बीरबल आगरा में पान का गल्ला चलाता था। गल्ले में बैठकर सरोते से सुपारी काटता जाता और सारस्वती मंत्र का जप भी करता जाता। प्रतिदिन बैठकर नियम पूर्वक 5 मालाएं करता था। इसके अलावा जब भी समय मिलता तब मानसिक जप किया करता। सारस्वती मंत्र के प्रभाव से उसकी बुद्धि भी खूब विकसित हो गई थी। एक दिन एक खोजा आया और उसने बीरबल से पूछा, अरे भाई चूना मिलेगा, पाव भर लेना है। बीरबल ने खोजा की तरफ देखा और थोड़ी देर शांत हो गया। उसे खोजा की पूरी हकीकत का पता चल गया, क्योंकि बीरबल ने तो अपने गुरु से सारस्वती मंत्र ले रखा था। उसने खोजा से पूछा, क्या आप अकबर बादशाह के यहाँ पान लगाते हैं? हाँ हाँ। आपने कल बादशाह को पान लगा कर दिया होगा और उसमें चूना ज्यादा लग गया होगा, जिसकी वजह से उनके मुंह में छाले पड़ गए होंगे। इसलिए आज बादशाह ने आपके द्वारा पाव भर चूना मंगवाया है। अब तलवार और भाले वाले सिपाहियों के बीच घेर कर आपको यह पाव भर चूना खाने के लिए बाध्य किया जाएगा। तौबा तौबा, फिर तो मैं मर जाऊंगा, क्या करूं, भाग जाऊं या अपने आप को खत्म कर दूं? भाग जाने से काम नहीं बनेगा, पकड़े जाओगे। मर जाने से भी काम नहीं चलेगा, आत्महत्या करने वाले तो कायर होते हैं, कायर। डरपोक मनुष्य ही आत्महत्या करता है, आत्महत्या करना महापाप है। खुदा खैर करे तो बंदा मौज करे। खुदा खैर तो बहुत करता है, किंतु बंदा अपनी बुद्धि का उपयोग करे तब ना। तो अब क्या करूं? तू ही बता, तू है तो छोटा सा बच्चा किंतु तेरी अक्ल जोरदार है। खोजा जी, पाव भर चूना ले जाइए और देसी घी भी ले जाइए। पाव भर घी पीकर दरबार में जाना। यदि बादशाह पाव भर चूना खाने को कहेंगे तो भी चिंता न रहेगी। घी चूने को मारेगा और चूना घी को मारेगा, आप जीवित रह जाएंगे। ऐसा? हाँ ऐसा ही होगा। सुपारी बहुत कड़क होती है, इसलिए बूढ़े लोग ठीक से नहीं चबा सकते। किंतु यदि बादाम के साथ सुपारी को चबाया जाए तो सुपारी आसानी से चबाई जा सकती है। उसी प्रकार घी पीकर जाओगे तो चूना घी को मारेगा और घी चूने को मारेगा, आप बच जाओगे। खोजा ने पाव भर चूना लिया और देशी घी पीकर पहुंच गया दरबार में। अकबर को पाव भर चूना दिया। अकबर क्रोधित होते हुए कहने लगा, नालायक मूर्ख, लापरवाही से काम करता है। पान में ज्यादा चूना डालने से क्या होता है, अब देख। यह पाव भर चूना अभी मेरे सामने ही खा जा। खोजा के आसपास तलवार और भाले लेकर सिपाही तैनात कर दिए गए, जिससे खोजा भाग न पाए। खोजा बिना घबराए चूना खाने लगा। जिसे बीरबल जैसा सीख देने वाला मिल गया हो उसे भय किसका, चिंता किसकी। लोग जैसे मक्खन खाते हैं वैसे ही वह चूना खा गया, क्योंकि वह देसी घी पीकर आया था। जा नालायक, अब घर जाकर मर। परंतु खोजा जानता था कि वह मरने वाला नहीं है। दूसरे ही दिन खोजा फिर से दरबार में हाजिर हो गया। अकबर आश्चर्यचकित होकर उसे देखता ही रह गया। अरे तू जिंदा कैसे रह गया? तेरे मुंह और पेट में छाले नहीं पड़े? जरा मुंह खोल कर तो दिखा। खोजा का मुंह देखकर अकबर दंग रह गया। अरे इसको तो चूने की कोई असर ही नहीं हुई। उसने खोजा से पूछा, यह कैसे हुआ? जहाँ पना, जब मैं चूना लेने के लिए पान के गल्ले पर पहुँचा तब वह पान वाला बीरबल आपके मन की बात जान गया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, उसने ही मुझे कहा था कि बादशाह तुझे यह चूना खिलाएंगे। मैं तौबा तौबा पुकार उठा। उसने दया करके मुझे उपाय बताया कि आप घी पीकर जाना, घी चूने को मारेगा, चूना घी को मारेगा और आप जीवित रह जाओगे। इसलिए जहाँपना, मैं घी पीकर ही दरबार में आया था, पाव भर चूना खाने के बावजूद घी के कारण बच गया। अकबर विचारने लगा, मेरे मन की बात
पान के गल्ले पर बैठने वाले 11 वर्षीय बीरबल ने कैसे जान ली? घी चूने को मारता है और चूना घी को मारता है, ऐसी अक्ल तो मेरे पास भी नहीं है। फिर इस छोटे से बालक में कैसे आई? जरूर वह बालक होनहार और खूब होशियार होगा। जाओ उस बालक को आदर सहित पालकी में बिठा कर ले आओ। बीरबल को आदर पूर्वक पालकी में बिठा कर राज दरबार में लाया गया। उससे कई प्रश्न पूछे गए। 12 में से एक जाए तो कितने बचते हैं? मैं जवाब दूं उससे पहले दूसरे वजीरों से पूछना है। पहले दूसरे वजीर इसका जवाब दें। किसी वजीर ने कहा 11, तो किसी ने कहा 5 और 6, किसी ने कहा 8 और 3, तो किसी ने कहा 7 और 4। बुद्धिमान बीरबल ने विचार किया कि 12 में से एक जाए तो 11 बचते हैं, इस प्रश्न का जवाब तो यही होगा, परंतु ऐसा सामान्य प्रश्न बादशाह नहीं पूछ सकते। फिर भी यदि पूछ रहे हैं तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा। आखिर बीरबल ने विचार कर कहा, 12 में से एक जाए तो 0 बाकी बचता है। सब वजीर बीरबल की ओर देखने लगे। इसका अर्थ क्या? वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें से सावन एक महीना बरसात के बिना ही निकल जाए तो अनाज उगेगा ही नहीं, इससे किसान के तो 12 के 12 महीने गए। शाबाश शाबाश। अकबर ने जो भी सवाल पूछे उन सब के बीरबल ने युक्ति युक्त जवाब दिए। पान का गल्ला चलाने वाला तू तो मेरा वजीर बनने के योग्य है। उसी वक्त अकबर ने 11 वर्ष के छोटे से बीरबल को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। फिर तो जीवन भर बीरबल अकबर का प्रिय वजीर बना रहा। सारस्वती मंत्र के जप और सत्संग का ही यह प्रभाव था जिससे बीरबल इतनी नन्ही सी उम्र में ही चमक उठा। यदि बाल्यावस्था से ही मानव को किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए, सारस्वती मंत्र मिल जाए और वह गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ध्यान भजन करे, मंत्र जप करे, तो उसके लिए महान बनना सरल हो जाता है। वह जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अनमोल ज्ञान के खजाने पाने हेतु अपने निकटवर्ती बाल संस्कार केंद्र अवश्य जाएं एवं स्वयं को पावरफुल बनाएं। हरिओम।